बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पॉलिसी मेकिंग के हवाले से है। हम कोशिश करते हैं ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करें जिस पे जर्नली कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती या थोड़े से वो हेसिटेंट होते हैं हम लोग के उनके ऊपर डिस्कशन आपस में। हम ड्राइंग रूम डिस्कशन तो होती रहती है लेकिन खुलेआम बात करना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी हमारी लिमिटेशंस होती हैं इस वजह से। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पॉलिसी मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन चुना है, जो कि हम लोग काफ़ी एचआर के लोग और बाकी तमाम लोगों की पॉलिसीज बनाते रहते हैं, लेकिन अक्सर हमारा उसमें गिला ये होता है कि ये पॉलिसीज बन तो जाती हैं लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का इशू होता है। जैसे आपने पॉलिसी बनाई, मैनुअल बड़ा अट्रैक्टिव बनाया लेकिन उसके बाद उस मैनुअल को किसी ने देखा ही नहीं, या फिर ये हुआ कि उस मैनुअल को देख तो लिया लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो उसमें बहुत सारी इश्यूज उसमें खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेबल, या तो वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती, ये इशू होता है पॉलिसीज का, या फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो खड़े होते हैं, या बहुत सारे लोगों की जो वो कहते हैं डेड एंड की जो मस्जिद बनी होती है वो हिलने की हिल सकती है उस वजह से। तो आज हम इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। और आज मेरे साथ आज हमारे साथ फिर नवीद साहब हैं जो कि लेबर लॉ के कंसल्टेंट हैं और काफ़ी माशाल्लाह अरसे से लेबर के हवाले से जानते हैं, और बहुत सारे फोरम्स पे आपने इनको देखा भी होगा, बहुत सारी इनके इंटरव्यूज भी आते रहते हैं, ट्रेनिंग भी करते सकते हैं, अक्सर शामिल होते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट का बहुत शौक है नवीद साहब को। तो अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, तो आपका क्या ख्याल है पॉलिसीज के हवाले से, क्या आपने कैसे देखा है ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिसीज को, और आप कुछ शेयर करें फिर हम इसको बात को लेके आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, वंस अगेन आज दोबारा आपने अपॉर्चुनिटी दी और इस टॉपिक पे जिस पे बड़ा रेयर हम देखते हैं डिस्कशन होती है। हम लोग यूजुअली मार्केट में देखते हैं कि कुछ एक ट्रेंड फॉलो किया जा रहा होता है, कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ टॉपिक्स होती हैं, उसी पे कॉन्फ्रेंसेस डिस्कशंस और सारा कुछ चल रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ कि आपने एटलीस्ट ये इनिशिएटिव लिया कि उन टॉपिक्स को लेके आए जिन पे बड़ी रेयर टॉक होती है और लोग शायद अवॉइड भी करते हैं कि उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उस तरीके से, या प्रिपेयर नहीं है क्योंकि इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करने में मज़ाक़ा कोई नहीं है, इसको डिस्कस करेंगे तो सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो लेकिन चूंकि एक सॉर्ट ऑफ वी कैन से ट्रेंड अभी नहीं है, लोग एक बीइंग ट्रेंड फॉलोअर वो ज्यादा उन चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, तो एनी हाउ दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, आई एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट। तो मैं सबसे पहले पॉलिसीज के हवाले से ये बात करना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पर पॉलिसी होती क्या है। जैसे हम एक किसी स्टेट में भी रह रहे होते हैं, मेरा चूंकि लीगल बैकग्राउंड है तो मैं बात वहीं से शुरू करूंगा। तो ये जो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है, ये लॉ होता है, ये लॉ डेमोक्रेसी में तो पार्लियामेंट कर रही है, जहां पे किंग है वहां पे सॉवरेंटी है, उसको किंग को वो लॉ पास कर रहा है, उसकी कमांड है, कमांड ऑफ सॉवरेन इज लॉ। तो ये एक किस्म के कुछ आपके रूल और नॉर्म्स बेसिकली सेट किए जाते हैं कि आप इस तरीके से अपने सोशल अफेयर्स को या जो भी उसके अंदर डिफाइंड मामलात हो उनको लेके चलेंगे। अब इसको अगर स्टेट लेवल से नीचे हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ले आते हैं तो अभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, एक सीईओ होगा, देन उसका एक एचआर जो है एक फेस है मैनेजमेंट का बिफोर एम्प्लॉइज जो इंटरेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो एचआर को ही ये टास्किंग दी जाती है कि वो पॉलिसीज को बना रहा होता है। तो इन पॉलिसीज में मेनली अगर इसको ग्रुप किया जाए तो मैं देखता हूँ पॉलिसीज जो है बुनियादी तौर पर तीन या चार किस्म की होती हैं। तो मेरी नज़र में तीन मेन ग्रुप इसके आते हैं। नंबर वन इज कंप्लाइंस के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की नीड होती है। लाइक अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, उनकी पॉलिसीज होती हैं बिकॉज दे आर बाउंड टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ देयर कस्टमर, जो एक बायर की तरफ से भी आ रहे होते हैं, उन्होंने लोकल लॉज की कंप्लाइंस भी करनी होती है।
और एक ग्रुप जो है कंप्लायंस का बनता है, सेकंड ग्रुप मैं समझता हूँ रिवॉर्ड जो है इम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए। इसको फर्दर अगर डिटेल में भी जाएं तो रिवॉर्ड के अंदर ही हमें ट्रेनिंग भी नजर आ जाएगी, रिवॉर्ड के अंदर ही इम्प्लॉय इंगेजमेंट भी नजर आ जाएगी, और रिवॉर्ड के अंदर ही कंपनसेशन एंड बेनिफिट। तो एक ग्रुप ऑफ पॉलिसीज ये बनता है। थर्ड ग्रुप जो है मेरी नजर में वो है डिसिप्लिन के हवाले से, जिसमें टाइम अटेंडेंस, कुछ किस्म की जो है उसमें डिडक्शन टाइप चीजें भी आ जाती हैं। तो इस तरीके से सिक्योरिटी की कुछ नॉर्म्स होती हैं। तो ये तीन मेजर ग्रुप्स हैं इन पॉलिसीज के। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे इसको देखते हैं कि पॉलिसीज का जो हमारा मेजर चैलेंज है कि पॉलिसीज तो बन जाती हैं और उसकी कंप्लायंस का इशू आता है कि हम देखते हैं अक्सर कि उस तरीके से ऑन ग्राउंड मौसर नहीं रहती। तो और स्पेशली ये चैलेंज आज के दौर में बढ़ता जा रहा है। उसको जो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको जिस एंगल से देखता हूँ, एक्चुअली हुआ ये है कि वक्त के साथ साथ अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, और जो एक हम एक एम्प्लॉई के लिए सिंपली वर्ड यूज करके और उसके लिए एक पॉलिसी बना देते हैं, अब वो हमारे पास वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयज एक्चुअली आ चुकी है। अगर हम वो देखें जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जी, तो उन लोगों के बिहेवियर और रिस्पॉन्स और उनकी परफॉर्मेंस, ये चीजें डिफरेंट है। अगर हम उस जनरेशन के उस टेबल को फॉलो करें तो उस वक्त हमें डिफाइन और टारगेटेड ऑडियंस को देखना पड़ेगा कि हम ये रिवॉर्ड दे रहे हैं, ये किस जनरेशन वाला जो है वो इससे अट्रैक्ट होगा, और उस हम एक परसीव कर रहे हैं कि ये उसके लिए अट्रैक्शन होगी। मे बी कोई चीज जनरेशन एक्स के लिए तो अट्रैक्टिव है, लेकिन जनरेशन जी उसको लिफ्ट ही नहीं करवाती, वो कहती भाई हम तो इससे आगे की बात कर रहे हैं या अभी हमारी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इसलिए हमारी ये पॉलिसी समटाइम मिसमैच करती हैं। अच्छा, एक तो ये जनरेशन जो है उनका आता है टारगेट वैरायटी आ गई है एम्प्लॉयज में। सेकंड जो मेरी नजर में है वो एम्प्लॉय की अपनी एज है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय किस एज ग्रुप में है, अगर वो 20s में है तो उसकी डिजायर्स नीड्स डिफरेंट है। अगर वो 30s में आ चुका है, 30s 40s वाले ग्रुप में है, उसकी नीड्स डिजायर्स उसके डिपेंडेंट्स उस वक्त आ जाते हैं, वो पॉलिसीज उसको डिफरेंटली लेके चल रही होती हैं। और जब एक एम्प्लॉई 50 या 45 50 50 प्लस पे चला जाता है तो वो पॉलिसीज को डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है। तो ये मैंने देखा है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग में इस एस्पेक्ट को इग्नोर किया जाता है। लॉज के अंदर देखें, लॉ मेकिंग जो होती है ठीक है, उसको जितनी मर्जी क्रिटिसाइज उसको करें, लेकिन ये लॉ मेकर जो होते हैं दे आर एक्सपर्ट्स। और ये फिर हम फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान का ही कोई देखें तो यहाँ पे भी अभी कोई लेजिस्लेशन होती है ना, ये भी इसी तरह ही करते हैं जैसे हम लोग कंपनीज में करते हैं कि आप उस मार्केट में चेक कर लेते हैं कि उनके पास, दूसरे कंपेटिटर के पास या सेम बिजनेस वाले के पास क्या पॉलिसी है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान में कोई लॉ है, लेबर लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ बनना है, तो इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके लॉ चेक कर लिए जाते हैं कि वहां पे इस टॉपिक के ऊपर क्या लॉ बना हुआ है। तो हमारे अच्छा, लॉ मेकर वेस्ट से भी चेक कर लेते हैं। एक आपको जरा यहाँ पे रोकूंगा। एक जो आपने बड़े ये बात की कि एज के हिसाब से जो पॉलिसीज हैं बननी चाहिए, मेरा ख्याल जो एज वाली चीज है उसमें आपका क्या तजर्बा है कि वो जो आप तीन सेट पहले बताए कि एक कंप्लायंस के लिए बनती है पॉलिसीज, एक रिवॉर्ड की साइड में बनती है जिसमें ट्रेनिंग भी आप कह रहे हैं शामिल हो जाती है, और तीसरी बनती है डिसिप्लिन के साथ। तो जो एज का जनरेशन एक्स जनरेशन वाई और इसका ताल्लुक है, ये आपने क्या देखा है? ये ज्यादातर मेरा ख्याल है रिवॉर्ड वाली साइड पे ये ज्यादा मैटर करता है, जो पहली है जहाँ पे कंप्लायंस है या जहाँ पे डिसिप्लिन है वो तो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए एक जैसा हो जाता है। उसमें तो आप कोई इस किस्म की तशखीस नहीं कर सकते कि कोई चीजें जो हैं वो एज को कैसे फॉलो कर सकती हैं, लेकिन जो रिवॉर्ड वाली साइड है जहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ऑफ कोर्स एक 20 साल वाले या 25 साल वाले एम्प्लॉय के लिए रिवॉर्ड कुछ और मैटर करता है, और एक 50 साल वाले एम्प्लॉय के लिए रिवॉर्ड का स्ट्रक्चर कुछ और हो जाएगा, उसको मैटर करेगा। सो वो ये एक चीज इस तरह से आपने इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में बनते हुए कहीं देखी है वैसे पॉलिसीज के, वहां पे एचआर वाले बैठे हैं और डिपार्टमेंट हेड्स बैठे हैं और वो ये फैसला करें कि भाई हमारे एज ग्रुप क्या है कंपनी का और हम किस तरह से पॉलिसी बनाएंगे, कभी ये चीज आपने आपके तजर्बे में आई? जी, मैं इसमें दो एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। अभी एक रिसेंटली तो चल रहा है आजकल,
कि जनरेशन जी को बड़ा एचआर और मैनेजमेंट फोरम्स पे डिस्कस किया जा रहा है कि दे आर बिगेस्ट चैलेंज टू हैंडल और उनको मैनेज करना, स्पेशली अगर ये आईटी सेक्टर में चले जाएं, उन उन एचआर वालों से या उन उसकी आईटी सेक्टर की मैनेजमेंट से पूछें, तो ये तो अपनी वर्क स्टेशन के ऊपर भी निगोशिएट करते हैं, कलर के ऊपर निगोशिएट कर रहे हैं कि मैं उसमें एक मेरी बड़ा अच्छा फील आता है मेरा, और मुझे इस तरह का ऑरेंज आउटलुक चाहिए, मुझे येलो आउटलुक चाहिए, ये लोग ये चीजें निगोशिएट करके बैठ रहे हैं। और अच्छा, दूसरी जो बात, हाँ जी, एज की बात आपने की रिगार्डिंग कंप्लाइंस और रिवॉर्ड्स, उसके हवाले से तो इसमें हम देखते हैं, विजिबल है, ये कोई छुपी चीजें नहीं है। जैसे स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस अभी वैसे काम हो गई हैं, लेकिन पास्ट में भी जो रही, लाइक पाकिस्तान स्टील, पीटीएल, सुइस, नॉर्दर्न, उसमें अगर आज भी हम विजिट करने चले जाएं, किसी उसकी ब्रांच ऑफिस स्टेशन पे चले जाएं, तो वहां हमें मिच्योर एज के लोग ज्यादा नजर आते हैं, वो लोग जॉब स्विच नहीं कर रहे होते। और इसी तरह नेशनल लेवल पे प्राइवेट सेक्टर की, चाहे कुछ कॉरपोरेशंस हो, वहां पे भी यही सूरत हाल नजर आती है हमें। अच्छा, अब दूसरी तरफ हम आते हैं इसमें, टेक्सटाइल सेक्टर में लेते हैं, क्योंकि मेजोरिटी वो वर्क फोर्स इंटेंसिव सेक्टर है ये, तो वहां पे आप देखें कि किसी कंपनसेशन बेनिफिट वाले एचआर प्रोफेशनल से बात करें, उनके पास बड़ा रेयर होता है, 6 माह बाद, साल के बाद एक रिटायरमेंट का केस आता है। उनके पास लोग अपनी जो यंग एज है, 35-40 साल तक वहां पे सर्व करते हैं, और उसके बाद वो लोग छोड़ देते हैं। आई डोंट नो वो कहाँ जाते हैं, क्या प्रायोरिटीज होती हैं, या वो लोकल बिजनेसेस में स्विच कर जाते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल से वो इस तरह की कोई यूनिक स्किल तो लेके नहीं जा रहे होते कि वो बाहर किसी फॉरेन कंपनी में, अरब स्टेट्स में या यूरोप में उसको यूटिलाइज कर सके। तो वहां पे ट्रेंड कम नजर आता है। और पहले जो मैंने जिक्र किया, जो गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें आपको वी कैन से कि डेली बेस पे नहीं तो वीकली बेसिस पे नजर आ रहे होते हैं। तो ये फिर उस हवाले से कंप्लाइंस कह लें, रिवॉर्ड कह लें, डिसिप्लिन इवन, आप जो टेक सेक्टर के अंदर बात हो रही है, तो वहां पे आपको बड़ा डिफरेंट एक पॉलिसी लानी पड़ेगी डिसिप्लिन के ऊपर। ये जनरेशन जी रेडी नहीं है कि उनको कंट्रोल किया जाए। वो उसके और लिए मेरा टेक्सटाइल में आप ख्याल चले जाए, है, नहीं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके लिए मेरा ख्याल है वो जो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस की पॉलिसीज हैं और जो फ्लेक्सी टाइम की पॉलिसीज हैं, वो यहाँ पे इन अदारों में जहाँ पे जनरेशन जी वाले ज्यादा हैं वहाँ पे ये वाली पॉलिसीज बड़ी इफेक्टिव होती हैं, और वो डिमांड भी करते हैं कि ये पॉलिसीज उनको वहां पे दी जाएं। अब एक और चीज के ऊपर ये थोड़ा सा बाजुकात ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम जाते हैं तो लोग ये भी खास तौर पे वो जो कि लोकल ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जहाँ पे जो सेठ साहब हैं या जो मियाँ साहब हैं वो सामने बैठे हुए होते हैं, इस किस्म के तजर्बात भी बहुत देखे हैं कि जहाँ पे जो सेठ साहब हैं, जाहिर है जो दुकान का मालिक है वो अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें करना चाहता है और करता है, और बहुत सारे हम एचआर के लोग जो हैं वो उसमें हम तिलमिलाते भी हैं, परेशान भी होते हैं, और खुर्रम साहब भी आ गए, हमारे साथ रिकॉर्डिंग जारी है और आप भी शामिल हो जाएं। हम जो बात कर रहे हैं, मतलब तो जो मैं बात कर रहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अक्सर जो दुकान का मालिक है उसकी ख्वाहिश होती है कि काफी हद तक अपनी जो की हुई पॉलिसीज हैं उसको अपनाया जाए। अब जैसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि अगर कोई अच्छे मालकान हैं और वो कोई कोई जूनियर बंदा या कोई और भी एम्प्लॉई, जाहिर है ओपन डोर पॉलिसी को भी हम प्रमोट करते हैं कि ओपन डोर होना चाहिए, और लीडरशिप के चूंकि हमने लेसन बहुत सारे पढ़े हैं और उसमें लीडरशिप की ट्रेनिंग्स बहुत सारी अटेंड की हैं, तो लोग अक्सर अपने दरवाजे खुले रखते हैं, एक्सेबल होते हैं। फिर अगर उनके पास कोई आ जाता है, कोई बंदा, कि जी मेरी सैलरी बहुत कम है या ये लोन चाहिए या मुझे ये काम है या मुझे इस किस्म की चीजें करनी चाहिए मेरे साथ करें, तो वो बहुत सारे हमारे लोकल ओनर्स जो हैं वो बाईपास भी कर जाते हैं बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज को जो कि उन्होंने खुद ही प्रमोट की होती हैं कि वो लगे। उस वक्त
एचआर का एक काफी टाइट कॉर्नर हो जाता है। जो एचआर वाले जो लोग हैं वो बाज़ुकात अपनी अथॉरिटी को काफी हद तक मिनिमाइज्ड होता हुआ देखते हैं कि हमने पॉलिसी खुद ही बनाई, हम बाकी लोगों को तो इस पॉलिसी के थ्रू चलाना चाह रहे हैं, लेकिन जब हमारे जो सीईओ हैं या हमारे जो ओनर हैं कंपनी के, उनके पास कोई जाता है तो वो अपनी एक इस बात को रखने की वजह से कि भी मेरे पास कोई आया तो मैंने उसको बाकी पॉलिसीज जो है वो खत्म कर दी, तो वो फिर एचआर की अथॉरिटी भी खत्म होती हुई नजर आती है मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे। उसमें चंद एक उसमें ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे। अब एचआर वाले लोग इसमें तिलमिलाते भी हैं, काफी परेशान होते हैं कि जब पॉलिसी ही आपने खुद ही करना है तो फिर हमें क्यों बीच में रखा हुआ है। फिर वो बेचारे काफी हद तक कोशिश भी करते हैं कि यार लोगों को समझाने की, और फिर वहां पे एक डिसबैलेंस सब भी क्रिएट होता है। तो जो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन था कि जो हमारी इसकी क्या वजह है आपकी नजर में, कि जब एक तो खैर हमारा कल्चरल, मुझे जो लगता है वो हमारा कल्चरल एक फैक्टर है, ये सिर्फ यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं है सिर्फ, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस बाकी करीब के खितों में और जगहों पे भी है कि हमारा कल्चर बाज़ुकात ऐसा होता है कि हमारा ऑफ कोर्स जो ओनर है या जो मालिक है उसकी एक प्रेफरेंस होती है कि यार मेरी भी तो एक से है ना, ऑफ कोर्स मैं मालिक हूँ तो मैं जो मर्जी करूँ। लेकिन मैंने कुछ जगहों पे ऐसी देखा है जहाँ पे प्रोफेशनली रन रन कंपनीज होती हैं, वहाँ पे इवन मालिकान हैं वो भी इससे बैक स्टेप कर जाते हैं कि हम करेंगे तो सही लेकिन हमारी जो पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग। तो आपने ये देखा है कि प्रोफेशनली रन कंपनियों में और जो इस तरह से प्रोफेशनली रन नहीं होती और बहुत ज्यादा ओनर्स का इन्फ्लुएंस होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क होता है, या उनके जो एचआर है और उनका जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक अपलिफ्ट है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है, उसमें ये पॉलिसियां किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं? आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा है? बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें देखें, जब लॉज भी बनते हैं तो उनके अंदर भी हमेशा एग्जेम्पशंस होती हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस कवर्ड होते हैं उसके अंदर। तो इसलिए पॉलिसी मेकिंग एक बड़ा आर्ट और एक एक्सपर्टी है। हर आदमी पॉलिसी मेकिंग पे बैठ जाए तो उसमें तो कई लकुनाज रह जाते हैं। तो ये चीजें उसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड हो तो एक एचआर को फेस मिल जाता है। अच्छा, नंबर टू, इसके अंदर एक तो ये एंगल है कि पॉलिसी बड़ी एक कंप्रीहेंसिव डिजाइन करनी चाहिए कि हर सिनेरियो उसके अंदर कवर हो। नंबर टू, उसमें जब कोई फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में एग्जेम्पशंस दी जाती है ओनर की तरफ से, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अच्छा ये रेयर केस है, अगर अगर तो ये कॉमन प्रैक्टिस है फिर तो प्रोडक्टिविटी और अट्रिशन रेट और ये सारा कुछ कंप्रोमाइज होगा। ये आइडियल स्टेट नहीं है अगर ये हर केस में ऐसे हो रहा है। अगर ये वंस इन ब्लू मून वाली स्टोरी है कि साल या 6 महीने के बाद कोई एग्जेम्पशन किसी पॉलिसी में दी जा रही है, तो वहां पे मैं फिर उस बिजनेस के साथ स्टैंड करूंगा। एक यहाँ पे फिर डिफरेंस आता है कि वो सेठ साहब या बिजनेस ओनर है तो बिजनेस रन करना है, एचआर या जो कंप्लाइंस में लोग बैठे हैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, दे आर ऑन जॉब, तो वो एक जॉब के प्रस्पेक्टिव से देखते हैं। ओनर जो है उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है, क्योंकि ओनर कभी भी कोई वेलफेयर भी अगर करेगा तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ही कर रहा होगा, उसने उस चीज को वे किया होगा। तो इसलिए पॉलिसी मेकिंग के वक्त जो है बड़ा एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ सिनेरियोज जो बिल्ट नहीं हुए उनको फोरसी करते हुए दाएं बाएं देख के एक्सपर्ट ओपिनियंस लेके तो उसके बाद पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी ये बड़ा, चाहिए। सॉरी आप, लेकिन ये लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट एक जो है ना ये बताया कि वो जो एचआर में, एचआर वाले भी के लिए भी एक लर्निंग है बस बेसिकली इस पॉइंट में आपके, कि एचआर वाले बाज़ुकात सिर्फ अपनी एचआर को देखते हुए या अपनी एक जो पॉलिसी की स्किल है वो देखते हुए पॉलिसी बना रहे होते हैं, वो जो बिजनेस एक्यूमेन है वो बड़ा जरूरी है इसके अंदर। मतलब हो सकता है ऑफ कोर्स अगर आपने कहा कि वो बहुत ज्यादा अगर रिकरेंस है इस बात की कि हर दफा ही पॉलिसी को रूल कर देते हैं और खुद अपना कर लेते हैं, फिर तो प्रोडक्टिविटी फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर एचआर वाले फिर पॉलिसीज, प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम। एचआर वाले पॉलिसीज भी इस तरह से बना रहे हैं कि उनको ये पता हो कि किस तरह से आपने बिजनेस को सपोर्ट करना है, आपने सिर्फ एचआर पॉलिसी मेकिंग को ही सपोर्ट नहीं करना, आपने सिर्फ अपना वो जो पड़ा हुआ है उसी चीज को सपोर्ट नहीं करना, आपने बिजनेस के हिसाब से भी उस चीज को लेके चलना है। खुर्रम आप भी कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? ऑन हो जाए।
जी, सलाम वालेकुम। कैसे सलाम जी। हैं आप? ठीक ठाक हैं? नवीद, आप कैसे हैं? ठीक हैं। जी मेरे ख्याल में ये जो जो हमारे एक्चुअली ना थोड़ा सा कल्चरल लेवल के ऊपर भी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है ना, वो भी बड़ा मैटर करती हैं। हमारे जो आपने पहले मैंने काफ़ी डिटेल से शेयर किया है, हमारे यहाँ जो बिजनेस है, बिजनेस को देखा जाता है मतलब फैमिली बिजनेस प्रैक्टिसेस जो होते हैं ना, आपको बड़ी कॉमन नजर आएंगी। तो फैमिली बिजनेसेस के अंदर उनकी एक सोशल नेटिंग हुई होती है, जिसके अंदर वो जो है ना, वो जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर जो पॉलिसीज और जो जो से प्रैक्टिसेस हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ना काफ़ी हद तक ड्राइव हो रही होती है। और उससे मतलब के उससे ना जो एक ग्रीवियंस है ना, जो एचआर प्रोफेशनल्स का या जो एचआर की टीम बैठी होती है, वो समटाइम्स वो देख रहे होते हैं एक कौन सा ना बिजनेस केस के तौर पे ना, उसको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या जो प्रैक्टिसेस हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जो बिजनेस ओनर है ना, वो उनके पास डिफरेंट तरह के चैलेंजेस होते हैं, तो वो उसको उस एंगल से शेप अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो इसमें कोर कंपिटेंसी रिक्वायर्ड होती है ना, कि जिसमें विन विन सिचुएशन क्रिएट करना होता है, जो मतलब कि एचआर वालों ने, जो एचआर वालों की समझ लें कि वो एक कह लें कि ऑल द टाइम उनके लिए एक चैलेंजिंग फेज होता है एक वो, और उसमें उसपे जो आप कह लें कि कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयज के ग्रीवियंसीज हैं उनको सेटल डाउन करना, जो एम्प्लॉयर है उसके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना, तो वो एचआर वाला तो हमेशा एक चैलेंजिंग पोजिशन में रहता ही रहता है। फैमिली बिजनेस के अंदर आप देखें, मोस्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर अगर मतलब के एक फैमिली एंगेज है, वालिद साहब उसके चेयरमैन है, बेटा जो सा वो मार्केटिंग देख रहा है, एक बेटा दूसरा जो सा उनका जो भाई है या कजन है वो मतलब प्रोडक्शन देख रहा होगा या कुछ इस किस्म के मामला तो होंगे, तो वो हर बंदे ने अपने लेवल के ऊपर ना कुछ डिसीजन मेकिंग्स करनी होती है, और वहां पे उसको बैलेंस आउट करना ना एक रियल टर्म्स के अंदर चैलेंज बन जाता है। कि अगर आप कुछ अपनी इनपुट देते हैं तो वो आपके उसमें से ना तकरीबन 90% चांसेस ये होते हैं कि ना उसके अंदर ना आपकी कह लें कि उसमें आपको ना एक उसके ना एक बैड इम्पैक्ट आपको फेस करना पड़ता है उसका। तो ये मेरे ख्याल में ये जो फैमिली बिजनेस प्रैक्टिसेस है ना, ये एक पूरे का पूरा एक अलहदा से एक मॉडल है, एक केस स्टडी है, जो शायद हमारा एक कस्टमाइज मॉडल है। पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट के अंदर या सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी इस तरह की प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो डोमिनेट करता है ना वो फैमिली बिजनेस कल्चर, वो उसको कॉर्पोरेट लेवल के साथ अलाइन करना ये एक बिगेस्ट चैलेंज है। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कभी किसी एचआर ने, मतलब आपका क्या ख्याल है, कभी आपने ऐसा देखा कभी किसी एचआर ने इस बात पे मियां साहब के साथ या सेठ ओनर के साथ कि इस बात को रिग्रेक्ट डिसएग्री को किया हो? रिजेक्ट किया हो या डिफर किया हो कि भाई आप ये क्यों कह रहे हैं, या किसी फोरम पे बैठ के उनको ये बात कही हो कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपका जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बैलेंस, बैलेंस से मुराद ये कि जो पॉलिसी बैलेंस है या जो एक स्ट्रक्चरल बैलेंस और जो लोगों को एक जो अंडरस्टैंडिंग जाती है वो खराब हो सकती है। तो क्या कभी, मतलब कभी किसी एचआर ने ऐसी चीज अपने ओनर्स को या अपने सीईओ को कभी कही होगी? आई डोंट नो, जो सुनने वाले हैं शायद कोई ना कोई ऐसा भी हो बीच में कि जो कहे कि हाँ यार मैंने कही थी तो मेरे साथ क्या हुआ, उसके बाद उसके साथ क्या अच्छा हुआ, उमर साहब, ये बता सकते? मैं इस प्रैक्टिस से गुजरा हूँ, ठीक है, अच्छा दो दफा। ठीक है, अच्छा उसमें ये हुआ है कि मैं एक अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका नाम कोट नहीं करूंगा, मैं उस प्रैक्टिस में से गुजरा हूँ, और मैंने जो था ना उसके ऊपर जो कुछ पॉलिसीज थी ना उसके ऊपर मैंने, या जो उनकी प्रैक्टिसेस थी तो उसके ऊपर मैंने एक उनको एक्चुअली जब मेरी वहाँ पे उनके साथ एक फर्स्ट सिटिंग हुई अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने उनको कहा कि जी बिफोर ज्वाइनिंग आई वुड लाइक टू कंडक्ट सम सॉर्ट ऑफ गैप एनालिसिस, कि वेयर इज द गैप, कि जो आपकी डिमांड्स है मेरे से मैं एक दफा उनको असेस करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़े बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया, सारा कुछ किया, और उन्होंने कहा जी करें करें, बिल्कुल करें, यही तो हम चाहते हैं। जब वो प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर गैप्स लेके, तो जब उनको एक वो टाइम फ्रेम बना के दिया, एक प्लान बना के दिया, तो उसके ऊपर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जब मेरी ऑनबोर्डिंग होगी, मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तकरीबन 7-8 महीने का टाइम तो आपको लगता है कि आप ना ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब करें, लोगों को जनसा ना वो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ आप अपने आप को मतलब फ्लेक्सिबली आप अपनी एडजस्टमेंट करें। ये करते करते
इस दौरान जो है ना एक आ जाती है, कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट हेड ऑफिस से कि इसको इस तरीके से देखें। तो वो मियाँ साहब ने उसको कहा कि यार कि सारी चीज़ों को होल्ड कर दो, अब इसको इस तरीके से करना है। तो मैंने कहा जी देखिए, ये अभी हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, इस प्रैक्टिस को अगर हम यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर देंगे ना, तो फिर ये सारी की सारी एक्सरसाइज समझ लेंगे वेस्ट हो गई, एनर्जी पैसे और जो कमिटमेंट्स थी वो सारी की सारी हमारी धरी के धरी रह जाएंगी। हमने जो परफॉर्मेंस मॉडल सेट करना था एम्प्लॉयज़ के लिए वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं यार बात ये नहीं है, बड़ा उन्होंने ना एक उसको एक जिसे कहते हैं ना एक डिस्कशन डिबेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको इसको लिया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कुछ अपने इश्यूज इस तरीके से कहे कि यार कि ये हमारे चैलेंजेस हैं, हम इसके अंदर से हमारी जन से ना वो जो फैमिली का जो कहना हम उसको बिल्कुल उसमें से ना बाहर नहीं निकल सकते, हमने उसको भी करना है और ये जो आप कह रहे हैं ये भी करना है, तो इसका ना कोई मिड वे ढूंढे कोई, ताकि ना विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाए। खैर वो प्रैक्टिस हमने की, लेकिन डेफिनेटली जो उसकी एक्चुअल स्पिरिट थी वो उस तरीके से एड्रेस नहीं हो पाई। और वहां पे आके फिर आपको फिर एक से जैसी आती है कि आप खुद भी मोटिवेट हो जाते हैं यार कि चलो यार इनका तो इसी फ्लो में चलने दो, तो या तो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाओ ठीक है, और या फिर ना वो इसमें से आप अपना ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना, मेरा ख्याल है कि काफी हद तक ऑफ कोर्स बिजनेस जो चलाने वाला है उसकी और जिसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, क्योंकि हम बहुत सारे एचआर वाले लोग, मेरा अपना ये ख्याल है कि एचआर वाले लोग हैं वो बाज़ुकात इस बात को रिकग्नाइज करना जरा थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जॉब करते हैं। जो बिजनेस ओनर है वो बहुत सारे एरियाज को देखता है, मार्केटिंग भी देखनी है, उसने पैसा भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उसने उसने बहुत सारी ऐसी चीजें की हुई है। ऑल्दो ये बात बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ ये चेंजेस आनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और इसी तरह जो हमने देखा है बहुत सारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो की हैं ओवर द इयर्स। हम जाहिर है उनके अंदर जॉब करना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे अच्छे सिस्टम्स होते हैं और वो अच्छे चीजें चलाते हैं। लेकिन मुझे अक्सर जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और फैमिली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, इस हिसाब से कि वहां पे आपको इस किस्म के स्ट्रेसेस जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं, वहां पे आप सीखते बड़े डिफरेंट स्टाइल से सीखते हैं, क्योंकि वो ओनर आपके बिल्कुल सामने बैठा होता है और वो आपको इस हिसाब से वो कर रहा होता है। लेकिन हमारी जो एचआर वाले लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये लगता है कि उसमें बाज़ुकात मिसिंग होती है कोई एक चीज, कि हम बिजनेस को समझना और बिजनेस ओनर की जो माइंडसेट है उसको समझने की बजाय हम अपने बहुत सारे काम जो हमने सीखे हुए होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं जल्दी। हमारे एचआर के लोगों का भी बहुत ज्यादा इसके अंदर रोल है, इस अंडरस्टैंडिंग में कि जो ओनर्स पॉलिसीज चाह रहे हैं या हम जो चाह रहे हैं हम उनको किस तरह से एडवाइस कर सकते हैं। मुझे अक्सर ये लगता है, मैं एक छोटी सी बात करके फिर आपकी तरफ आता हूँ, कि एचआर वाले लोग सिर्फ या तो एचआर मैनेजर ही रह जाते हैं या डायरेक्टर एचआर ही रह जाते हैं, उनका रोल इससे आगे बढ़ के एचआर एडवाइजर के रोल में नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जब आप एडवाइजरी का रोल लेते हैं, आप चाहे जॉब ही कर रहे हो, आपका टाइटल डायरेक्टर एचआर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एचआर एडवाइजरी कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपसे ये चाह रही है या ओनर आपसे ये चाह रहा है कि आप बेस्ट सॉल्यूशन को एडवाइज करें, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की चल सके। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में, मतलब जो एचआर के लोगों का जो एक रोल है इस सारे प्रोसेस के अंदर? नहीं वो उसमें अगर हम इसको ना प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर देखें ना, तो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस है ना वो उसकी उसके ना उसका है बिजनेस, और बिजनेस मींस कि उसको मतलब कस्टमर भी चाहिए और उसको जो है उसकी सेलिंग भी चाहिए ठीक है, उसकी आउटपुट भी रिक्वायर्ड है। आज भी जो है ना एचआर ये सर्विसेज साइड जो है ना उसको उतनी उस तरीके से उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती किसी भी बिजनेस के अंदर। मैं अभी चंद दिन पहले एक सेशन में था, वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे जो जिनका अच्छा एचआर का जो उनका पुराना एक्सपीरियंस था, फिर उन्होंने अपनी अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली और फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ ना एम्प्लॉयज को अपने साथ ऑनबोर्ड कर लिया। अब वहाँ पे उनका एक एम्प्लॉय आया हुआ था, तो ही वॉज शेयरिंग हिज ग्रीवियंसेज विद मी विद रिस्पेक्ट टू एचआर, हमारी कंपनी के अंदर जो है ना वो एचआर की ये प्रैक्टिसेस मौजूद नहीं है। तो आई वाज वेरी मच सरप्राइज, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार कि आप लोग तो खुद एचआर की कंसल्टेंसी देते हैं तो व्हाई देयर आर सो मेनी ग्रीवियंसेस। तो वो एंड पे कंक्लूजन यही है कि जो मेन फोकस है किसी भी बिजनेस का वो उसका बिजनेस का फोकस है कि आपने मतलब प्रॉफिट अर्न करना है, आपने बिजनेस को ग्रो करवाना है, और उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए जी आपने
सही उस बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपने जो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है। अब अगर आपने एम्प्लॉय के कंपनसेट भी करना है ना अगर किसी एंगल से, तो कंपनसेशन भी आपने इस एंगल से करनी है कि वो आपको किस तरीके से बेटर आउटपुट दे सकता है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कोई पॉलिसी बनानी है ना उस एंगल से, तो आपने ये देखना है कि जिस आप कंपिटेटिव एनवायरमेंट में बैठे हैं, उस कंपिटेटिव एनवायरमेंट में आप कौन सी ऐसी चीज आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करे ऑर्गेनाइजेशन की। यानी एनी पॉलिसी शुड बी, सॉरी टू कट यू, बट एनी पॉलिसी शुड बी टारगेटेड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग, अल्टीमेटली इंक्रीजिंग द profitability perhaps, or the productivity or the business of the organization, because अगर business है, अगर business है तो लोग हैं, अगर business ही नहीं है तो वो policy बनाने का, तो इसका मतलब ये है कि how should we translate it? It should be people specific policies or system specific policies, और एक नई term है बल्कि business specific policies होनी चाहिए, HR की policies। मेरा ख्याल है कि जो एचआर की पॉलिसीज भी हैं या कंपनी की पॉलिसीज भी हैं, वो बिजनेस स्पेसिफिक होनी चाहिए, जिसमें आप दोनों चीज़ों को आप मतलब एक कस्टमाइज मॉड्यूल आप बना सकते हैं, जिसमें आपके बिजनेस को सपोर्ट भी मिल रही हो, जिसमें आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी उसमें सेटिस्फाई हो रहे हों, और आप कल्चरल जो उनसे नॉर्म्स हैं उनको भी एड्रेस कर रहे हैं उसके। बिकॉज अगर जी जी साथ साथ जो पॉलिसीज है ना, वो पॉलिसीज जो है वो बहुत सारी, क्योंकि अभी तक हमारी, हम बहुत सारा, हमें दुख होता है बहुत सारी स्टेट की पॉलिसीज को देखते हुए, क्योंकि हमारा उसके अंदर बहुत ज्यादा इनपुट ऑफ कोर्स नहीं हो पाता, हम बहुत परेशान होते हैं कि यार ये अभी एक्ट ऑफ 1969 या एक्ट ऑफ 1834 का कोई एक एक्ट है, या 1898 का कोई एक एक्ट है, वो चल रही जा रहा है, फैक्ट्री एक्ट 1934 वो चली जा रहा है, और उसके अंदर किस तरह से, तो उसके ऊपर जाहिर है हमारा, हम क्रिप कर सकते हैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर, हमारी इन्वॉल्वमेंट उस तरह से हमारा, हमसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन जब हम अपने अपने इदारे की पॉलिसीज बनाने लगते हैं तो उसमें भी फिर हम बहुत ज्यादा अपने आप को या तो कंस्ट्रेंट कर लेते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जैसा कट पेस्ट है चल रहा है उसी तरह से चलाते रहे, उसमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है, जो पहले हो रहा है उसी तरह से चलते रहे। सो वो जो दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आ रही हैं, लाइक मार्केट प्लेस चेंज हो रही है, लोगों के रवैये चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर चेंज आ रही हैं, तो आपने कभी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में, अभी नवीद साहब आप भी जरा थोड़ा इसमें इस पर दीजिएगा इनपुट, के ऑर्गेनाइजेशंस में जो पॉलिसीज बन जाती हैं एक दफा, तो वो उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो वक्त के साथ साथ चेंज हो सके, और क्या होनी भी चाहिए, होनी तो चाहिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर इनहेरेंट कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो चेंज भी हो सके, और आपके जो ओनर्स हैं या एचआर है उसको इतनी रेडिली एक्सेप्ट भी कर ले कि ये चीजें जो है वो चेंज भी हो सकती हैं। इसमें देखें, चेंज तो समटाइम तो पॉलिसीज के अंदर ही डिफाइन होता है कि इसका जो है रिन्यूअल या रिव्यू जो है विद इन ईयर या 2 ईयर टाइम दिया गया होता है, तो बाकी उसके अंदर पॉलिसी एक बेसिकली जनरल जो कुछ कर रहे होते हैं नॉर्म्स होती हैं उनको रेगुलेट कर रही होती है, तो उसी के अंदर उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, और होती भी है अक्सर, देखा है मैंने तो वैसे कि जब एक जो जनरल नॉर्म है उससे थोड़ा सा डेविएशन करनी है तो लेवल रेज होता है, फॉर्मल अप्रूवल की हायरार्की बीच में आ जाती है कि अभी ये चीज इसकी एग्जेम्पशन चाहिए या इस चीज को बाईपास करना है, तो उसका लेवल रेज करते हैं ताकि कॉमन प्रैक्टिस ना बने, तो ये एग्जिस्ट कर रहा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाजमी होनी चाहिए, जिन पॉलिसीज में नहीं है उसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, और मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ कि लॉज पॉलिसीज ये रिजिड नहीं होने चाहिए। अच्छा, आप ये नीड बेस्ड एचआर के लोग या जो सुन भी रहे हैं शायद वो भी इस बारे में थोड़ा सा वो कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि यार ये इस पे बात क्यों नहीं करते या इस पे क्यों नहीं बात करते, हम बहुत सारी चीजों पे जाहिर है बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन पीपल स्पेसिफिक पॉलिसीज ज्यादा कारामद कौन सी होती हैं, मतलब पीपल स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं अगर, या सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं, या बिजनेस स्पेसिफिक ब्लेंड होना चाहिए दोनों का, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो दोनों का ब्लेंड होना चाहिए। हमने पहले टर्म यूज किया ना बिजनेस स्पेसिफिक,
दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, जिसमें आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और पीपल दोनों को आप एड्रेस कर पा रहे हो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस की। नहीं लेकिन क्या करेंगे उसमें जो है वो बिजनेस है और उसके साथ साथ लोग जो है ह्यूमन रिसोर्स वेल अकोमोडेटेड हो उसके अंदर ना। नहीं लेकिन मिसाल के तौर पे वो इम्प्लीमेंट फिर कैसे, मतलब हम फिर हमारा बैरियर कहाँ पे आता है कि हम ये क्यों नहीं कर पाते, या कर पाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्या बैरियर की क्या वजह है कि हमारे क्या माइंड सेट में मसला है या हम हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर जब इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो फिर और चीजें सामने आ जाती हैं, तो इशू कहाँ पे आता है फिर? मेरा जो मेरी अपनी स्टडी है ना इसके ऊपर वो ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना जो आज भी 2022 के अंदर ना बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो जो एक डॉक्यूमेंटेड प्रैक्टिसेस का जो है ना उपदान वो चीजें वो आपको ना कंसिस्टेंसी वाला जो लेवल है ना उससे वो आपको नीचे ले जाता है, तो जब वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती किसी चीज के अंदर तो उससे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, उस फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में आप को ना समटाइम्स आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो अफेक्ट करती है उसके ऊपर। तो आज भी जो जो हम जो चीज़ हम जैसे हम कह रहे हैं ना कि हमें कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, लाइक आपने आपने कहा कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फ्लो इस तरीके से होना चाहिए, रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक आपकी जेनेरिक बन सकती है ठीक है, जिसके ऊपर फिर आप देख सकते हैं कि आप अपने लाइक आपने कहा कि जी आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है कैंडिडेट्स की, पहले इंटरव्यूज करने हैं, उनकी स्क्रीनिंग करनी है, उनको फिर आपने दोबारा फाइनल इंटरव्यू प्रोसेस से गुजारना है, तो ये चीज़ें तो आपकी बेंचमार्क हो सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज भी वो चीज़ें उस तरीके से प्रैक्टिस में मौजूद नहीं है, जो पॉलिसी मैनुअल्स हैं उसका कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है। पॉलिसी जो आप जो शॉर्ट लिस्टिंग की सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन जो जो शॉर्ट लिस्टिंग की आप बात कर रहे हैं बाजुकात उसमें भी ये होता है कि वो आप तो कर लेते हैं, आप कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं से एक बंदा आ जाता है और भेजा जाता है कि भाई मतलब एनु रख लो मतलब वो निचले लेवल पे तो बहुत ज्यादा होता है, निचले लेवल पे तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऊपर वाले लेवल पे भी बाजुकात ये भी चीजें आ जाती हैं। हाँ अच्छा, अब आप ये वाला जो फैक्टर है ना, इस फैक्टर को कीपिंग इन व्यू योर यू नो बिजनेस केस, आप इस फैक्टर को अपनी पॉलिसी का पार्ट भी बना सकते हैं। अच्छा somehow, वो कैसे? वो ऐसे बना सकते हैं कि यार कि अगर कोई इस तरीके से कोई पैराशूटर आ भी गया है कोई अंदर, तो आप उसका एक जो बेसिक जो उसकी जो असेसमेंट है ना वो आप लाजमी कंडक्ट करवाएं, एक अपने पास रिकॉर्ड कीपिंग जरूर कर लें कि यार कि इसके अंदर ये सर्टन स्किल सेट मौजूद है कि नहीं मौजूद, या हमने जस्ट इसको एक अकोमोडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको अकोमोडेट किया है ठीक है, हमारा मेरिट मेरिट जो है ना वो अगर आप समझ लें कि उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, जब आप उसकी कॉम्पिटेंसी असेस करते हैं तो उसके अंदर हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि इसके अंदर ये सर्टन स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं, तो ही कैन टेक अप दिस रोल इन कमिंग डेज, अगर इसकी कोई सर्टन ट्रेनिंग करवाई जाती है या इसको एंगेज किया जाता है प्रोसेस के अंदर तो ये इसको टेकअप कर सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद ही नहीं है तो एटलीस्ट आप एक डॉक्यूमेंटेड वर्जन के अंदर जो असेसमेंट आपने कंडक्ट की है वो जहां से भी वो आया है उसके सामने आप प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने ये बहुत सारे केसेस जो हैं वो इसको प्रैक्टिस किए हैं, वो इसी तरीके से है कि आपके पास आती हैं अप्रोचेस, इसमें कोई शक नहीं, जब रिक्रूटमेंट हो रही होती है ना तो आपको मतलब आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं, आपको मतलब कंपनी भी इस तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं, तो फिर आप करते क्या है उसके अंदर, उसके अंदर मतलब जो मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा है या प्रैक्टिस किया वो ये है कि आप एकदम से ना जब आप चीज़ें डॉक्यूमेंट करने शुरू कर देते हैं ना तो वो डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं जाके आपको सेफ भी करती है और आपको एडवांटेज भी देती है कि यार कि जब आपने ये चीज़ इन्फ्लुएंस की थी तो दिस वॉज द असेसमेंट ऑफ दिस पैनल, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो दिस इज द रीजन। हाँ ये सही है, दैट्स अ गुड आइडिया बेसिकली, कि वो भी आप जो कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई भी बंदा आता है तो आप उसकी कम से कम अपने लेवल पे असेसमेंट जरूर करवा लें, कर लें असेसमेंट जरूर कंडक्ट करवाएं, वो उसको फाइल में रखना है, उसको रख लें, जरूर रख लें, मियां साहब को भी खुश कर दें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी खुश कर दें कि जी बंदा रख लिया हमने, आपको ये आ गया। लेकिन मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पे ये बंदा जो है ये जो रखा जाता है, ऑफ कोर्स हमारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हम उनकी असेसमेंट बाद में भी
सकते हैं, और वो अगर तो बहुत ही बुरा है तो फिर वो ऑफ कोर्स निकाला भी जाता है, और फिर वो खुशी खुशी निकाला जाता है, क्योंकि ये मैंने होते हुए देखा है कि करते हुए भी देखा है कि अगर वो बिल्कुल ही नैला है तो फिर वो जो भेजने वाला है उसने भी बेसिकली या तो अपने सिर्फ वोट बनाने होते हैं उस वक्त के लिए उसको खुश करना होता है, और वो सिर्फ वो एक आध महीने के लिए उसको खुश करना होता है कि यार चलो उतनी देर में इलेक्शन होने वाला है तो मुझे वोट मिल जाएंगे, या मुझे कुछ फलाना हेल्प मिल जाएगी, या इसका इसके पास कोई मेरा काम फंसा हुआ है वो काम मेरा निकल आएगा, तो अभी उसके बाद उसको कोई गरज नहीं होती इस किस्म के बंदे से कि भाई वो 2 महीने के बाद निकाला भी जाए, तो अक्सर ऐसे निकाले भी जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, बाज़ुकात इसका हमारी जो पॉलिसी है ऑफ जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी है, क्या एचआर का यह भी रोल है कहीं पे? आपने देखा है कि वो फिर ऐसे तमाम लोगों को ऑफ कोर्स इम्प्रूव भी करने का के अंदर भी डालते हैं, इम्प्रूवमेंट के अंदर भी डालते हैं कि भाई आ तो गए हो आप लेकिन आप हमारे साथ कुछ काम भी करो, और कुछ हम उसको जाहिर है, और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन मैनी अदर स्किलफुल पीपल, क्योंकि उसका एक जाहिर है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा बंदा आ गया जो कि सिफारिश के थ्रू आ गया और ऊपर से आई थी सिफारिश और उसको रखा गया, अब उसके साथ उसको कैसे हम लोग एचआर वाले लोग जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं? क्यों जी नवीन साहब? अच्छा, अब उसमें भी ना कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से सेट हो जाती हैं। आप देखें कि अगर कोई इस किस्म का कोई आउटसाइडर कोई आ गया है ना, इसी तरीके से जंप करके आ गया, उसने हाईजैक कर लिया पोजीशन, अब वंस अगेन इफ यू हैव टू कंपनसेट हिम, आप उसको जो आपके रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज हैं उनको भी पता होता है यार कि ये जो इंसान किसी इस तरह के इन्फ्लुएंस से आया है, इसको अकोमोडेट करना पड़ेगा। लेकिन आप उसको कोई भी, अगर आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया ना अपना कंपनसेशन का स्ट्रक्चर, लाइक तो आपको ग्रेडिंग स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट आपने कंपनसेशन आपने लॉक किए हुए हैं, तो आप उस सर्टन कंपनसेशन के अंदर ही आप उसको अकोमोडेट करेंगे, जिसमें जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनसे आपकी उसको जो हमसे ना वो एक्स्ट्रा आप उसको कंपनसेट नहीं कर रहे होंगे। तो बट कंडीशन वंस अगेन वही है कि वो आपके पास कोई इस किस्म का डॉक्यूमेंटेड फ्रेमवर्क मौजूद है तो वो आप मियां साहब के सामने भी रख सकते हैं कि सर ये है, इसके अकॉर्डिंगली आप बता दें कि इसको किस ग्रेड में एडजस्ट करना है। अगर ये इस तरीके से कोई मियां साहब की तरफ से कोई आ गया है या बाहर से कोई आ गया है तो फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंगली वहां पे उसको कंपनसेट कर सकते हैं विद दिस। देखें, हमारी अपॉइंटमेंट के अंदर एक बड़ी क्लियर कट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ना एक वो डाली होती है, एक टर्म प्रोबेशन होता है 3 मंथ्स का, और उसके अंदर लिखा होता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड योर कॉम्पिटेंसी विल बी कंडक्टेड। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं इस प्रोसेस में से तो यू विल बी यू नो कंफर्म्ड एज परमानेंट एम्प्लॉई, अदरवाइज आपको जनता ना हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं या आपको वो एक चांस भी दिया जा सकता है। तो वो बात फिर वही है, अगर आज भी आप देखें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेटर की प्रैक्टिस ही नहीं मिलेगी, ऑफर लेटर की प्रैक्टिस ही नहीं मिलेगी आपको, बहुत कंफर्मेशन का प्रोसेस ही आपको उसका ही गैप मिलेगा। अक्सर जब ये भी मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी मिलेगा कि आपको जब वो ऑफर करते हैं तो एक और सैलरी होती है, जब आपको अपॉइंटमेंट हो जाती है अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद वो आपको ये कहते हैं हाँ ये जो सैलरी थी ये तो इस तरह से बनी है आपकी, तो मिल 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 के वो बन जाएगी, तो उसके बाद वैसी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा इसका इसका खैर एथिकल साइड तो हमने खैर इस तरह से कवर नहीं की, लेकिन इसके एक एथिकल डायमेंशंस भी हैं, उसमें हमारे एचआर वाले लोग अक्सर परेशान रहते हैं, और वो आपने उसका एक छोटा सा हल ऑफ कोर्स एक इनडायरेक्टली हल उसका बताया कि उसको हम कर सकते हैं कर लें और लेकिन उसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ उसकी जरूर हमारे पास होनी चाहिए, ताकि अगर आपको 2-3 महीनों के बाद या साल के बाद उसका पता चले वो हो। लेकिन बाज़ुकात हमारी ना कुछ थोड़ी सी, अब जनरेशन जेड है जिसके ऊपर नवीन साहब पहले काफी जिक्र कर चुके हुए, कि वो इस किस्म की पॉलिसीज को और इन किस्म की बातों को काफी ऑफकोर्स गलत समझती है, भी गलत ये नहीं है कि हम इस प्रोग्राम से ये साबित कर रहे हैं कि वो बातें ठीक है, लेकिन वो अनएथिकल है। लेकिन our role as an HR professional is more of a consultative, networking bhi hamari sahi honi chahiye, communication sahi honi chahiye, uski jo analysis hai us pure process ka wo bhi sahi hona chahiye, aur uski basis pe hum is baat ko is cheez ko aage leke chale aur usko spill over hone se bachaya jaye, matlab asal cheez HR ka ek aur role ye bhi aata hai ki us process ka ek spill over ho jata hai ki agar policy, ab hum sirf is policy ki baat nahi kar rahe ki koi galat banda aa gaya aur usko humne kis tarah se, ab hum tamam policies ki baat kare agar
कि हर पॉलिसी का एक नेगेटिव साइड भी होती है, क्योंकि पॉलिसीज बनती ही इसलिए हैं कि कोई नेगेटिव चीज या तो होना जाए या पॉजिटिव चीजों को गेन किया जाए। तो हर पॉलिसी का एक ये भी इम्पैक्ट होता है कि कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कुछ पॉलिसीज के। तो ओवरऑल एचआर का जो रोल है इन ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोटेक्ट दी पॉलिसी प्रोसेस और जो बनी हुई है, और उसको पॉजिटिव तरीके से लोगों तक पहुंचाना और लोगों का फीडबैक भी लेना कि लोग उसको किस तरह से देखते हैं। तो इसमें आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? नवी साहब आप अभी खामोशी थे कि जो पॉलिसी मेकिंग है, हमें हमारी जैसे हमारे लेजिस्लेटर्स होते हैं वो तो असेंबली में जाके अपनी पता राय देते हैं या नहीं देते, लेकिन हम ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पे हमारे सामने सारे लोग होते हैं उसमें हम राय वगैरह लेते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर के लोगों की या एचआर के अलावा बाकी लोगों की पॉलिसी मेकिंग में? इसमें मैं प्रीवियस पॉइंट पे भी थोड़ा एक मिनट का कमेंट करूंगा। जो पैराशूटर की बात हो रही थी, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर जैसे बीच में खुर्रम साहब ने भी बताया कि अगर वो रोल टेक ओवर कर सकता है तो थोड़ा सा टाइम देने के बाद रोल उसको हैंड ओवर किया जाए। रीजन के एचआर के पास और बड़े करने के काम है ताकि वो अपना उन अफेयर्स को देखता रहे। नंबर टू, अगर कोई बिल्कुल इररिलेवेंट पर्सन फॉल करता है तो उसके लिए उसको कोई कोर रोल नहीं देना चाहिए, उसको कोई एडिशनल रोल क्रिएट करके जो भी उसका टेन्योर है उसके अंदर वो गुजार दे, बजाय इसके कि आपकी किसी कोर पोजीशन को वो डैमेज करके चला जाए। तो ये उसके ऊपर मेरा इनपुट था। अभी आते हैं जो आपका ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं ये कहूंगा कि पॉलिसीज जो है वो फ्लेक्सीबल होनी चाहिए विद स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, फ्लेक्सिबल बट विद स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। फ्लेक्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन जो बन गया उसकी कंप्लायंस स्ट्रिक्ट होगी, तो उसमें उसका फिर फायदा। अच्छा, आपका क्वेश्चन में ये भी था कि इसकी फॉर्मुलेशन के वक्त क्या दूसरे स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड लिया जाता है या नहीं। जो मेरे एक्सपीरियंस में है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने सर्व किया, तो इनपुट तो लिया जाता है, चाहे वो आप थ्रू ईमेल ही फ्लोट करके लिया जा रहा हो, चाहे उसके लिए सेशन कंडक्ट करके इनपुट लिया जा रहा हो, तो इनपुट तो लिया जाता है। और सम टाइम मैंने तो पॉलिसीज ये भी देखी है कि वो किसी टाउन हॉल मीटिंग के आउटकम के तौर पे कोई पॉलिसी जो है वजूद में आ जाती है। तो इसमें इनपुट होता है, लेकिन इनपुट को कितनी वेटेज दी जा रही है और कैसे चल रहा मामला, ये एक फिर उसकी डिफरेंट डिबेट आएगी। लेकिन जहां से पॉलिसी अप्रूवल आ रहा है तो हमें उसको बेस्ट माइंड ही कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हमने जब बात की इसको पॉलिसी को पर्सन स्पेसिफिक या सिस्टम स्पेसिफिक, तो वो बिजनेस स्पेसिफिक देखते हैं जो डिसीजन मेकर हैं। और पहले हम एक बात कर रहे थे एग्जेम्पशंस की भी, तो एग्जेम्पशंस हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। ये यूके में देखे ना, क्वीन के पास भी वीटो की पावर है। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और इतना जबरदस्त उनका सिस्टम है, तो हमने एक इंटरव्यू का साइकिल किया, लोगों की फिल्ट्रेशन की, फर्स्ट राउंड सेकंड थर्ड, और देन पता लगता ऊपर से बंदा आया, तो वो हमें वीटो को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमने ना उसमें वो नहीं आना, कंट्राडिक्शन में नहीं आना, रिजिस्ट नहीं करना, आगे चलते जाना है, सर्विस डिलीवर करनी है ना, तो अगला रोल अगला जो चीजें हैं उनको लेना है। तो एक और लास्ट पॉइंट, सॉरी, इसमें सवाल ये था इस बात के ऊपर कि वो जो उसका नेगेटिव स्पिल ओवर है उसको एचआर फिर कैसे कवर करेगा, ये जो इस चीज का नेगेटिव स्पिल ओवर है। अगर इसकी एग्जांपल दें तो फिर मुराद ये थी कि अगर आप एक ऐसे बंदे को पॉलिसी को या कोई भी पॉलिसी है और उसको आप तो फॉलो करवाना चाह रहे हैं, आप डंके की चोट पे आप लगे हुए हैं कि यार ये पॉलिसी है पॉलिसी है, लेकिन ऊपर से मियां साहब या ओनर या डायरेक्टर आपका, चाहे वो भी एम्प्लॉई है, वो इसको वीटो कर देता है, वो इसको खत्म कर देता है। अब उसका जो एक नेगेटिव स्पिल ओवर है ओवर रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन के, भाई ये क्या बात हुई, पॉलिसी तो ये है लेकिन ये उस पर क्यों नहीं लागू होती, ये पॉलिसी है लेकिन ये आप हम पे लागू करवा रहे हैं, ये और जगह पे क्यों नहीं लागू होती, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कल्चरल, उसको एचआर वाले कैसे हैंडल करेंगे? पॉलिसी चल रही होती है तो उसमें आपके जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे पहले तो आप उनको लूप में लेते हैं, जो एचआर वाला
ना वो जो एचआर का जो प्रैक्टिशनर है ना, वो फिर ये करता है कि जो उसके कोलीग्स हैं या जो उसके साथ लोग जो इस पॉलिसी मेकिंग के अंदर मतलब के कंट्रीब्यूटर्स होते हैं या पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको भी एंगेज किया जा सकता है उसके अंदर कि यार कि ये कंपनी ने एक ये डिसीजन लिया है तो नाउ वी है दिस इज ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम इसको हमें कलेक्टिवली ऑन भी कर रहे हैं और इसके साथ जो अपनी जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी इसमें हमें किसी हद तक सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है, बिकॉज ये क्योंकि हमारी पॉलिसी के अंदर ये स्पेस मौजूद है कि हमने ये कहा है कि CEO MD डायरेक्टर को वीटो पावर का राइट है और वो इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये अगर आया है इस तरीके से तो हम इसको इस तरीके से स्पेस देनी है एंड विल असेस कि ये अगर हमें जो स्पेसिफिक गिवन टाइम पीरियड है उसके अंदर आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट देता है तो ठीक है, अदरवाइज जो है ना विल रिप्लेस है। अच्छा, एक चीज एक तरीकाकार ये हो सकता है। दूसरा तरीकाकार ये है कि जब आप इसकी एक और एग्जांपल है, अगर आप किसी को थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना थोड़ी सी मेच्योर हो जाती है जिसके अंदर एम्प्लॉइज दो दो चार चार पाँच पाँच साल सात सात साल गुजार लेते हैं, तो उसके अंदर अगर आप फेयर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट भी रखें ना तो इसके बावजूद जो ऑन मेरिट बंदा आता है ना टफ टाइम तो उसको भी मिलता है वहाँ से, खास तौर पे उसकी एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुराने उसके कोलीग्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसको उस कल्चर में एडजस्ट करने में उनके साथ अलाइनमेंट करने में वो एक टफ टाइम उसको फेस करना पड़ता है। मेरे ख्याल हम सबका मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है और हम सब इस प्रोसेस से शायद एक एक दो दो दफ़ा तो लाजमी गुजरे ही है। तो वो एक नेचुरल ह्यूमन साइकी है, वो आप थ्रू प्रॉपर मेरिट सिस्टम के थ्रू आप लेके आ जाएं या आप किसी को डायरेक्टली किसी के इन्फ्लुएंस के ऊपर ऑनबोर्ड कर लें, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्टिन्यूस पार्ट है कि लोग उसको देखते हैं यार वो देखो नवा आया बंदा, ठीक है वो देखो ये की करता है। तो ये एक्सपेक्टेशंस और ये सारी चीजें तो मेरिट्स डी मेरिट्स तो ये उसके साथ साथ चलना ही है। वो चाहे बहुत अच्छा प्रोफेशनल होगा तो अंदर के लोगों का ये ग्रीवेंस होगा कि यार हमें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली, आपने थ्रू मतलब प्रॉपर मेरिट पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए उसको ऑनबोर्ड कर लिया, तो अंदर के लोग ये कहेंगे यार कि हम भी तो इस पोजीशन पर प्रमोट हो सकते थे, हमें भी तो ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, हमें तो किसी ने कंसिडर ही नहीं किया। अब अगर वो बाहर से आ गया तो वैसे अगर कोई बाहर से डायरेक्टली किसी इन्फ्लुएंस के ऊपर CEO डायरेक्टर की वीटो पावर से आ जाए तो उसके ऊपर वो जो नेगेटिविटी का एलिमेंट है ना वो जरा थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, तो पता था यार उतना ऑर्डर आया है। नहीं बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि मैं अभी आखिरी जो हमारा एक है मैं इस पे इसी बात पे एक चीज और, वो नवीद साहब की मेरा ख्याल है लाइट चली गई तो वो अभी ऑफ हो गए वहाँ पे जहाँ पे वो हैं वहाँ पे बड़ी हैवी रेन कह रहे हैं कि चल रही है। इसमें ना एक अलायशिप का कॉन्सेप्ट भी हमें देखना चाहिए कि HR का बेसिकली आपने जैसे पहले बात की थी ना कि 6-8 महीने लगते हैं किसी ऐसी चीज को समझते हुए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो उस दौरान HR वाले अपना एक्सेप्टेबिलिटी भी क्रिएट करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में खासतौर पर, और वो जब अपनी एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट करवाते हैं तो उस दौरान उनको एक अलायशिप का कॉन्सेप्ट होता है, अलाइज अपने बनाते रहने चाहिए साथ साथ, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो कोई ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं या कोई चेंज लेके आ रहे हैं या कोई नया पॉलिसी मैनुअल बनाना चाहते हैं या किसी पॉलिसी पे स्टैंड लेना चाहते हैं तो वो अकेले ना खड़े हो, क्योंकि अकेले खड़े होना जो है ना वो बड़ा सबसे मुश्किल काम होता है, वो अकेले नहीं खड़े होना चाहिए, उनके साथ साथ अलाइज भी होने चाहिए। जी एक्सपीरियंस के मुताबिक बताऊं तो उसमें आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं ना एज ए न्यू पर्सन के तौर पे, जब आप लोगों से मिलते हैं ना तो लोग मतलब शायद फर्स्ट मीटिंग के अंदर तो आपको उस तरीके से आपके साथ शेयरिंग नहीं करते, लेकिन 2-3-4 मीटिंग से जब आप कंटिन्यूसली उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपके सामने चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर वहां से आप ये भी गेज कर लेते हैं कि किस तरह की ग्रेवियंसेस मौजूद हैं, और उस वक्त आपको ये पता चलता है कि सिस्टम तो हर बंदा ही चाह रहा है लेकिन वो चाह अपनी मर्जी कर रहा है सिस्टम, ठीक है। मतलब सेल्स वाला उसकी अपनी कुछ ग्रीवियंसिस होंगी और वो चाह रहा होगा कि सिस्टम ना उसकी जो है ना जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या जो उसका जॉब रोल है या जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक सिस्टम को डिजाइन किया जाए। हाँ ये इसी तरीके से यहाँ पे सब वाले की अपनी यहाँ पे वो फिर HR का होता है ना कि उसने सारा कंसल्टेटिव प्रोसेस से सारा साथ, वो अच्छा। जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट
आपके नजर में नई पॉलिसीज ऐसी जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस समझा जाए या उनको क्या समझा जाए, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज जो कि बेसिक तो चले वो तो सबको पता है ना, कुछ ऐसी पॉलिसीज जिसपे अभी तक कंपनियां हेसिटेंट करती हैं, हेसिटेंट होती हैं कि भाई ये हम इंक्लूड करें या ना करें अपनी। मिसाल के तौर पे कोई है ऐसी कोई पॉलिसी कोई जो लोग सुनने वालों को कुछ ऐसे ही पता चले कि यार ये तो बड़ी यूनिक पॉलिसी है, ये कैसे इंप्लीमेंट होगी या क्या करेंगे इसके, एनी विद रिस्पेक्ट टू एचआर या बिजनेस के एनी ऊपर बात हाँ, कर विद रहे हैं? रिस्पेक्ट टू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एचआर। देखिए, एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जनरल पॉलिसीज तो वही हैं जिसमें जॉनसन है, जिसमें एक लिस्ट है आपकी, जिसमें आप ये कहते हैं कि जैसे आप एचआर का पॉलिसी मैनुअल रिक्रूटमेंट की आपकी पॉलिसी आ गई, टाइम मैनेजमेंट की आ गई आपकी, आपकी जो से कंपनसेशन से रिलेटेड पॉलिसीज आ गई। ठीक है, हाँ, मैं मेरा ये ख्याल है कि जो इस वक्त जो चीज़ की ज़रूरत है ना, वो आज के करंट सिनेरियो देखते हुए एक चार्ट बनाने की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब बहुत सारे पेजेस की ज़रूरत नहीं है, एक एक्सेल की स्प्रेडशीट बना लें और उसके ऊपर सारी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना विद रिस्पेक्ट टू, जिसे कहते हैं ना ग्रोथ प्लान एम्प्लॉयज़ का, जिसमें जिसमें जो है ना वो उनकी ऑनबोर्डिंग से लेके उनके अगले 5 से 10 साल को आप प्लान करें, और प्लान करके एक उनका करियर पाथ टाइप आप बनाएं हर एम्प्लॉय का, हर लेवल का, हर एम्प्लॉय का। ठीक है, विद सर्टन के उसको उसको यहाँ पे इस लेवल पे पहुँचने के लिए उसको ये चीज़ें, ये बेंचमार्क उसने करने हैं, कंप्लीट करने हैं, तो फिर वो अगले लेवल पे जा सकता है। तो एक ऐसा एक चार्ट करियर पाथ जो ऑर्गेनाइजेशन के अच्छा अंदर मैंने देख डिजाइन देखिए किया जा सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो कैरियर पाथ अगर पॉलिसी का हिस्सा बन जाए और ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसको इम्प्लीमेंट। मैंने कुछ ऐसी पॉलिसीज भी आजकल जो जो दुनिया में बेसिकली कुछ पाकिस्तान में भी कुछ कई जगहों पे अब बननी शुरू हो चुकी होंगी, मतलब जो मेंटल हेल्थ के हवाले से कुछ पॉलिसीज हैं, टेकिंग केयर ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज, क्योंकि जाहिर है आजकल जो कई जो स्ट्रेसेस हैं, जो वर्क लाइफ बैलेंस का इशू है बाज़ात लोगों का, और फिर जो पेंडेमिक के बाद जॉब के हवाले से लोगों का काफी फियर रहता है, फिर जॉब सिक्योरिटी के हवाले से काफी चीजें रहती हैं, तो एचआर के लोगों को आई थिंक द मेंटल हेल्थ पॉलिसी इज आल्सो कमिंग इज आल्सो काइंड ऑफ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द रेगुलर मैनुअल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लस एक और मैंने जो वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से और फ्लेक्सिबल टाइमिंग के हिसाब से कुछ चीजें हैं वो पॉलिसी का हिस्सा बन रही हैं। उसके अलावा एक ब्रीफमेंट जो लीव की पॉलिसीज होती है ना, उसके अंदर भी बड़ी नई नई किस्म की लीव आ रही है, जैसे ये पाकिस्तान ने खैर वो तो उसकी जो लेजिस्लेशन आ चुकी हुई है पटर्निटी लीव और मेटर्निटी लीव के हवाले से तो पहले से ही था, लेकिन पटर्निटी लीव भी अब शामिल हो चुकी हुई है, वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने उसको खैर अप्रूव भी कर दिया हुआ आज से 2 साल पहले तक से। और एक और पॉलिसी है जो कि लीव्स की पॉलिसी में आती है, वो बरीवमेंट की पॉलिसी होती है कि मतलब खुदा ना खास्ता अगर आपके कभी कोई फौतगी हो गई तो उसके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक अलग से, नॉर्मली मैंने ये देखा है कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की खैर कंसल्टेंसी भी की थी, उनको भी मैंने उसके अंदर डाल के दिया कि 3 दिनों की एक ऑफिशियल पॉलिसी, एक ऑफिशियल लीव विच इज नॉट पार्ट ऑफ एनी अदर लीव बट इट इज अ बरीवमेंट लीव, कि जहाँ पे उसको कोई मौका, क्योंकि उसके घर में अगर कभी खुदा ना खास्ता फौतगी हो गई है, पेरेंट्स हैं या कोई फैमिली का मेंबर है, तो वो उसको एक ऐसी, तो और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं। पॉइंट हमारा आज की डिस्कशन का सारा ये था कि और जो हमारी टेक होम भी है बात कि वो ये कि पॉलिसीज जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, और एचआर वाले लोगों को इतना ओपन होना चाहिए, इतनी अपने माइंडसेट को इतना ओपन रखना चाहिए कि जो कुछ हुआ हो रहा है नॉट नेसेसरली वो ठीक हो रहा है, और जो कुछ वो देखते हैं इर्द गिर्द होते हुए उसको पॉलिसी का हिस्सा बना सकते हैं, और उसमें भी देखें कि वो आज से आजकल चेंजेस इतनी तेजी से आ रही हैं कि हो सकता है कि वो साल बाद वो भी ऑब्सोलीट हो जाए वो प्रोसेस, लेकिन एचआर शुड बी सो अवेयर ऑफ द फैक्ट के ये चेंजेस जो हैं ये जो आजकल होता आया है जरूरी नहीं कि आइंदा भी ऐसा ही होता रहे, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें पॉलिसी मैनुअल्स को बदल सकते हैं, उसके अंदर नई पॉलिसी डाल सकते हैं, नए इंक्लूजन्स कर सकते हैं, और इसके ऊपर एचआर के लोगों को अपने आंख कान नाक सारा कुछ खुला रखना चाहिए ताकि ये चीजें जो है ना वो वक्त के साथ साथ बदली जा सकें और लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। बिल्कुल सो सही, इफ देर इज नो अदर रिमार्क, थैंक यू वेरी मच खुर्रम, और नवीद साहब जो थे वो पहले ऑफ हो गए क्योंकि जहर हम इंटरनेट पे बैठे ही काम कर रहे हैं तो उनकी शायद इंटरनेट की कनेक्टिविटी खत्म हुई, बट ही वॉज ऑल्सो पार्ट हमने ऑफ बैलेंस कर लिया। मैं थोड़ा लेट आया था और नवीन थोड़ा अर्ली चला गया,
चले, थैंक यू वेरी मच खुर्रम, और इंशाल्लाह विल, और अगर आप लोग जो सुन रहे हैं इसका पार्ट बनना चाहते हैं, आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ईमेल हमें लिख के भेजें, नीचे ईमेल है, और हमें कांटेक्ट करें, और आप भी कोई एक ऐसी यूनिक डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं जो कि हम यूजुअली हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ओपनली डिस्कस किया जाए। थैंक यू वेरी मच खुर्रम साहब, और बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ।